यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। मेरे साथ हैं इस कार्यक्रम में एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। दाता खुश रहे, माता रानी सुखी रखे। हर व्यक्ति चाहता है कि उनका पर्स यानी कि वॉलेट हमेशा पैसों से भरा रहे, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपको तंगी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को तो ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके पास हमेशा धन की कमी बनी रहती है। पर्स में रखी वस्तुओं का जीवन और धन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। पर्स में कुछ खास चीज़ों को रखने से बरकत होती है। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने पर्स में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसे कई उपाय हैं जिन्हें करने से आपकी सभी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। जानिए पर्स से जुड़े कुछ उपायों के बारे में गुरुदेव के माध्यम से। इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी आज हम जानेंगे गुरुदेव से। तो सबसे पहला सवाल गुरुदेव, पर्स में क्या रखना अशुभ होता है जिस कारण पर्स में पैसा आता तो है लेकिन बचता नहीं? पहले मैं आपको लाल किताब का एक लॉक ले करता हूं और ये सीधा संबंध जो है पर्स के साथ ही है। कहते हैं नौवें घर से यानी कि भाग्य स्थान से बादल उठते हैं, दसवें घर यानी कि जन्म कुंडली के दसवें घर से वो पानी भरते हैं, दूसरा घर जन्म कुंडली के दूसरे घर के पहाड़ से टकरा करके ये वर्षा करते हैं और चौथे घर के अंदर फसल पैदा होती है। ये लाल किताब के अंदर ज्योतिष का नियम है। तो इसका पूरा पूरा संबंध चौथा घर यानी कि पर्स इसके साथ है। तो आप देखिए कि फसल उगाने के लिए, घर में समृद्धि लाने के लिए, रुपया पैसा प्रॉपर्टी बनाने के लिए, हर सुख सुविधा पाने के लिए चौथा घर यानी कि पर्स इम्पॉर्टेंट होता है। अब ऐसी अवस्था के अंदर जो तकलीफ दे क्या है, बुध चंद्रमा से दुश्मनी करते हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर किसी भी प्रकार के राख रखना, बबूती रखना पर्स के लिए सबसे अशुभ माना जाता है। और किसी भी तरह की राख या बबूती का पर्स में होना पर्स को खाली करता है, उसे भरा नहीं रहने देता और किसी न किसी चीज़ के ऊपर पैसा खराब होता ही चला जाता है। इसके बाद में किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहे छोटा सा हो वो पर्स के अंदर अगर आप डाल के रखते हैं जिसके अंदर बैटरी सेल वगैरह हो, ये भी पर्स का दुश्मन है। और किसी भी प्रकार का जंग लगा हुआ लोहा ये अगर आप रखते हैं तो ये भी पर्स का दुश्मन है। तो ये चीज़ें सख्त वर्जित हैं। किसी भी तरह का किसी का दिया हुआ पढ़ कर दी हुई काली सरसों वगैरह ये पर्स में रखना ये भी बहुत ख़राब है। तो इस तरह की चीज़ें या किसी भी प्रकार का जंग पकड़ लेने वाली चीज़ें इनको पर्स के अंदर रखना ये पैसे की खराबी पर्स की खराबी सबसे बड़ी करती है। तो ध्यान रखें, इन चीज़ों को अपने पर्स में बिल्कुल भी ना रखें जिनके बारे में गुरुदेव ने बताया है। गुरुदेव एक बात बताइए, आखिर कैसा पर्स अपने पास रखना चाहिए और कैसा पर्स नहीं रखना चाहिए, ये ज़रा दर्शकों को बताइए। इसमें मैं मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ बेटा कि जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है, जिनके यहाँ नौकर नहीं टिकते, जिनके नौकर पैसे लेके भाग जाते हैं, जिन लोगों का लोहे का काम है लेकिन लोहे का काम ढंग से चलता नहीं है, लेबर से करवाने का काम है वो ढंग से चलता नहीं है, जिनकी आए दिन गाड़ी खराब रहती है, इन लोगों को चमड़े का काले रंग का पर्स बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और इसमें पैसे बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। और जिन लोगों को स्वास्थ्य की दिक्कतें रहती हैं, जिन लोगों को आए दिन शरीर के अंदर कोई ना कोई कमी बनी रहती है, नेगेटिव सोच भी हो जाती है, जीवन साथी को खुशहाल नहीं रख पाते, इन लोगों को ग्रे कलर का चमड़े का पर्स बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और ब्लैक में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों को अपने ज्ञान पे शक रहता है, जो बेमतलब की हांकते हैं, लोगों को झूठ बोल करके अपना ज्ञान प्रदर्शित करते हैं और सच का उनको भी नहीं पता होता, इनको चमड़े का पीले रंग का पर्स बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बहुत बहुत खराबी देता है। और जो लोग अपने किसी भी सुविधा को मुहैया कराने में सक्षम नहीं है और बहुत अच्छी अपनी चाहतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, इनको
कपड़े का मल्टी कलर पर्स रखना इनके लिए भी वर्जित है। तो इनका खास अगर आप ख्याल रखोगे तो जिंदगी के अंदर शुभता रहे। तो बस ऐसे पर्स से परहेज करना चाहिए, बाकी आप किसी भी तरीके का पर्स रख सकते हैं, किसी भी रंग का पर्स रख सकते हैं। गुरुदेव, क्या किसी को पर्स गिफ्ट किया जा सकता है? कोई पर्स गिफ्ट करता है या गिफ्ट में पर्स मिलता है तो कौन सा ग्रह प्रभावित होता है? पर्स अगर आपके पास गिफ्ट होकर के आया है, यह आपके लिए बहुत ही शुभ शगुन है। पर्स का गिफ्ट होना यानी कि शनि देव आपके घर के अंदर आया, अगर वो चमड़े का आया है तो, और अगर वो रेक्सेन या कपड़े का आया है तो समझ लो शुक्र देव तुम्हारे घर पे आए हैं। ठीक है, केतु मिश्रित, वो जो जिप होती है वो केतु होती है, तो ऐसे, या लॉक होता है वो भी राहु मिश्रित होता है, तो ऐसे में ये पापी ग्रहों से संबंधित है। और लाल किताब कहती है कि अगर जन्म कुंडली के अंदर पापी ग्रह प्रबल हो तो इंसान कुछ ना कुछ करके अपने लिए धन मुहैया करवा ही लेगा, अच्छा करेगा। जब पर्स आता है तो आप समझ लीजिए मकान बनने लगा है, रिपेयर होने लगा है, मकान के सुख बनने लगे हैं, गाड़ी बनने लगी है, और कोई ना कोई सुख सुविधाओं की चीज़ें अब आपके घर पे बढ़ने लगी हैं, तो इसीलिए पर्स का गिफ्ट मिलना बहुत ही शुभ होता है। ठीक है, और जिन लोगों को मकान के संबंधी दिक्कत आ रही है, जिन लोगों के घर पे क्लेश रहते हैं, जिनके घरों में बीमारियां रहती हैं, अब जिनके घर के अंदर नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है, एक दूसरे में कमी निकालने का माहौल बढ़ता चला जा रहा है, इन लोगों को एक अच्छा काला चमड़े का पर्स लेकर के ये अगर किसी को भी गिफ्ट करते हैं तो सामने वाले को नुकसान नहीं होगा, लेकिन अपने घर से ये नेगेटिविटी और बुरापन सारा निकल जाएगा, स्वास्थ्य आने लगेगा, कामकाज बनने लगेगा, और जो पानी की तरह पैसा बह रहा था वो सब अपने आप थमने लगेगा। देखिए, गुरुदेव ने बता दिया कि अगर आपको पर्स गिफ्ट में मिल रहा है तो ये आपके लिए शुभ संकेत है, धन की प्राप्ति होगी। गुरुदेव, पर्स में क्या रखना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हमेशा बनी रहेगी? चौथे घर के अंदर बृहस्पति बहुत ही शुभ माने जाते हैं, लेकिन नए नए आइडिया, नई नई चीज़ों को अपनाना और उनको अपना करके धन कमाना, ये जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर का सूर्य देव ये काम करते हैं। तो चौथे घर में सूर्य भी शुभ है, बृहस्पति तो शुभ है ही, तो ऐसी अवस्था के अंदर पीले सूती कपड़े के अंदर भोजपत्र बहुत आराम से आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिलेगा। भोजपत्र लेके उसको फोल्ड करके उसको एक डिबिया रूमा बनाएं और उसको पीले कपड़े के अंदर केसर थोड़ा सा डाल के उसके अंदर थोड़ा केसर भी डालें और उसको फोल्ड करके सिलाई करके, अगर आप अपने पास रखने वाले पर्स या लेडीज़ जो पर्स रखती हैं उसके अंदर इसको अगर आप स्थापित करते हैं तो आप हर नए माहौल को अपनाएंगे, हर नई सोच को अपनाएंगे, कोई भी कोई बात करेगा उसको गहराई से सुन कर के तर्कसंगत उसको बहुत ढंग का जवाब देना शुरू कर देंगे। जो भी पैसा आप उस पर्स में ले जा कर के खर्चने लगे हैं उसे बड़ा सोच समझ के खर्च करके आएंगे, और जहां मर्जी जाए कितने भी खर्चे के काम हो इस पर्स में नोट आप बचा करके ही घर वापस लाएंगे, ये आपके लिए अति शुभ साबित होगा। तो आज बहुत ही काम की बात गुरुदेव ने बताई है, पर्स में क्या रखने से लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा बनी रहेगी, ये आप जरूर फॉलो करें क्योंकि इसी से आपको धन की असल प्राप्ति होगी। तो अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर है 999-999-0522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का, आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।